और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आगरा। आगरा से हमारे संवाददाता मृगांक प्रभाकर ने मतदान केंद्र में सुरक्षा का जायजा लिया। लोकतंत्र के उत्सव का आगाज हो गया है और पहले चरण के लिए 11 जिलों में वोटिंग इस वक्त जारी है और हम इस वक्त आगरा के बूथ पर मौजूद हैं कि उत्तरी क्षेत्र का परंपरागत, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या तैयारी जो है इलेक्शन कमीशन ने। सबसे कोविड काल के अंदर ये पहला चरण का चुनाव हो रहा है, तीसरी लहर चली थी उसके अंदर ये पहला चुनाव हो रहा है। मौसम की मार साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कोहरा छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग इक्का दुक्का यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, यहाँ पर तमाम जो है सीआरपीएफ की कंपनी और लोकल पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, तो साफ तौर पर वो नजारा उसका दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 26,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 11,000 पोलिंग स्टेशन हैं। मतदान करने से पहले महत्वपूर्ण क्या है, मतदान करने के लिए अगर आप मतदान केंद्र पर जाते हैं तो आपके लिए 11 चीज इलेक्शन कमीशन ने मार्क कर रखी है जिसके तहत आप वोट डाल सकते हैं। आपके पास केवल आपके पास पर्ची होनी चाहिए, उसके अलावा बैंक की पासबुक है, वोटर आईडी कार्ड है या आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसको। तमाम मतदाता हमारे साथ मौजूद है, तो एक सवाल जल्दी जल्दी सबसे कर लेते हैं। जनाब आपको बहुत लंबे समय से वोट डाल रहे हैं, आपके चेहरे की झुर्रियां साफ तौर पर बता रही हैं। जी 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 जी, इस वक्त पार्टी की बात नहीं करेंगे, वोटर की बात करेंगे। इतने मौसम खराब होने के बाद मैं करीबन 10-15 मतदान केंद्रों पर किया जी, सब जगह जागरूकता है, लोकतंत्र का पर्व है, लोग बड़े मन से निकल रहे हैं। कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितना पोलिंग परसेंटेज इस बार जाएगा? मैं समझता हूं हमारा पोलिंग शाम के 6 बजे तक 70% जाएगा। कमला नगर पॉश कॉलोनी है, सारे कैंडिडेटों को यहां पे 25-25। जी 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 बिल्कुल, इनका है काफी अच्छा मतदान होने की उम्मीद है। नए वोटर्स में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नए वोटर्स जो है काफी हर सीट के ऊपर बढ़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एवरेज अगर माना जाए तो 25,000 नए वोटर्स जुड़े हैं। एक नए मतदाता है, पहली बार वोट डाले हैं, काफी एक्साइटमेंट फील हुआ, मास्क लग रहा है, काफी एक्साइटमेंट लगा जी। हाँ क्या दिमाग में लेके गए कि उसी पार्टी को वोट देंगे जो देश के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में काम कर सके, महंगाई को काबू कर सके और नारियों की सुरक्षा बिल्कुल बढ़ा सके और उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट दिलवा सके। बेरोजगारी बेरोजगारी भी जरूर। देखिए ये एक नए मतदाता की मांग है, ये आने वाला भारत है और साफ तौर पे आगे आगे वाली जो पीढ़ी होगी वो इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेगी और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में यही मुद्दा रहा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज कितना रहने वाला है, ये बड़ा निर्णायक होगा। इस समय कैमरामैन हरीश के साथ मृगांक प्रभाकर।